एंड सुमित सर के जो एडिटोरियल रहे हैं, मैं वो 2017 से फॉलो करती आई हूँ. मुझे लगता है एक एड ऑन रहता है, और अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो उनको अगर आप अपडेट करते हो तो चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं. आपको अंडरस्टैंडिंग जो है बेसिक जो भी चल रहा है इस समय उसकी बहुत अच्छे से रहती है, और उसको आप कहीं भी कोट कर सकते हो. तो मेरे लिए तो हेल्पफुल रहे हैं, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ एस्पायरेंट्स उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं एडिटोरियल एनालिसिस. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। टुडे वी हैव विद अस अभिलाषा कौर, हु हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 292 इन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020। फ्रॉम द इंटायर ओनली आईएएस कम्युनिटी आई कॉन्ग्रेचुलेट यू अभिलाषा फॉर योर सक्सेस। थैंक यू. यस, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, दैट हाउ एंड व्हेन यू स्टार्टेड योर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, इज वॉट इन योर माइंड सिंस योर चाइल्डहुड, और इट केम इन टू योर माइंड वाइल यू वॉज डूइंग ग्रेजुएशन, और वॉट? So I started my preparation in 2015 after my college. But my father used to collect these newspaper clippings of women candidates qualifying UPSC. Yes. But since I'm not from civil services background, तो ये कभी माइंड में था नहीं कि कैसे आगे प्रोसीड करना है. इट वाज ओनली आफ्टर कॉलेज देन आई डिसाइडेड कि मुझे अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए. इट्स द टाइम नाउ. तो इन 2015 आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन. ओके, और आपका ग्रेजुएशन और बाकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आपने कैसे किया? सो आफ्टर माय स्कूल आई डिड बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम लखनऊ. देन व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन I took political science and international relations as optional, so I did the master's in political science as well. ओके, तो जैसे आपने प्रीलिम्स की आपने ओवरऑल यूपीएससी की सिविल सर्विस की प्रिपरेशन जो है वो चालू की, तब आपने प्रीलिम्स के लिए, खास करके प्रीलिम्स की पढ़ाई आपने कैसे चालू की, क्योंकि वो पहला स्टेज है, और उसको प्रिपेयर करते वक्त क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए जो नॉर्मली लोग फेस करते हैं, कि उसमें ऑब्जेक्टिव होने की वजह से काफ़ी सिली मिस्टेक्स होते हैं या काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, टाइम पे अटेम्प्ट नहीं कर पाते, ऐसे काफ़ी सारे प्रीलिम्स के एक उसके अलग चैलेंजेस होते हैं, तो क्या आपने कभी उसमें से कोई चैलेंजेस फेस किए और उन्हें आपने कैसे इम्प्रूव किया? जैसे मैंने बताया कि मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो इनिशियली 1 to 2 years मुझे टाइम लगा समझने में चीज़ें. आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स. सो प्रिलिम्स का मुझे लगता है कि आप जितना ज़्यादा मॉक्स देंगे उतना ज़्यादा हमें समझ में आएगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है. बिकॉज मैनी अ टाइम्स होता ये है कि कई बार स्टूडेंट्स जो हैं एक ऑप्शन पढ़ के ही आंसर लगाने की कोशिश करते हैं. सो हमें सारे ऑप्शंस रीड करने हैं, उसके बाद हमें आंसर लगाने की कोशिश करनी है. सो आई वुड से मॉक्स एंड रिविजन ऑफ दोज मॉक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस इसमें कभी ये भी चैलेंज आता है कि व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट हमें इसमें से कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी सारे रिसोर्सेज है, काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है स्टार्टिंग में, और चाहे हमें कोई कितना भी बता दे, लेकिन हमें खुद को ये डायलेमा तो फेस करना ही पड़ता है कि अभी जैसे लॉट लेट से पॉलिटी इतना बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसमें से कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, ये फिगर आउट आपने कैसे किया? इनिशियली में मुझे डिफिकल्टी हुई एंड मेरा फर्स्ट इंटरव्यू 2017 में था, और तब मैंने प्रिलिम्स के लिए स्टार्ट किया था. मैं ओनली आईएएस के प्रिलिम्स वाले जो लेक्चर्स होते थे मैंने वो भी देखा है डेली, सो दैट मैं टच में रहूं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूज़पेपर्स और जितने भी करंट अफेयर्स की कंपाइलेशंस इजिली मिल जाती हैं. बट आई वुड लाइक टू ऐड दैट आजकल बहुत ज्यादा ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, तो मुश्किल हो जाता है कि कौन सा चीज पढ़े और कौन सा ना पढ़े. तो आई वुड सजेस्ट हमें ऑनलाइन जो मटेरियल एडवेंचरिज्म है ना उसको अवॉइड करना पड़ेगा. जो चीज हमने पढ़ी है ऑलरेडी उसको रिवाइज करना है, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके साथ में हमें आगे प्रोसीड करना है. सो आई वुड से कि जो भी आपने एक आपका बेसिक है उसके अलावा जो भी आपने करंट अफेयर का पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, टाइम एंड टाइम टू टाइम बस रिवाइज करते जाइए. दैट्स द की. और इसमें आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है प्रीलिम्स के, उसका भी काफी सिग्निफिकेंट रोल है, कैन यू इलेबोरेट? यस एक्चुअली इन दिस प्रीलिम्स आल्सो मैंने लास्ट 15 days पहले तक भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको लगाते रहा है, सो दैट एक प्रैक्टिस बनी रहे, माइंड उस डायरेक्शन में काम करता रहे कि कैसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं. करेक्ट करेक्ट।
और फिर आपने मेंस की प्रिपरेशन, जैसे जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ तो उसके उस अटेम्प्ट के दौरान आपने मेंस की प्रिपरेशन पहले ही करके रखी थी, आंसर राइटिंग वगैरह ये सब चीजें, या आपने बाद में की? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो ये एक इंटीग्रेटेड जो है स्टडी है. ट्रू इफ सपोज मेरे को एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ना है तो प्रिलिम्स के लिए आर्टिकल जानना जरूरी है, कंटेक्स्ट जानना जरूरी है. बट एट द सेम टाइम इफ आई एम रीडिंग अबाउट एंटी डिफेक्शन, मेंस के पर्सपेक्टिव से मुझे पता होना चाहिए कि क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं एंटी डिफेक्शन में, क्या सजेशन हम दे सकते हैं. तो ये ओवरऑल मैंने स्टार्टिंग से करना शुरू किया है. मैं मेंस के लिए ओनली आई इसके एडिटोरियल्स जो है वो हमेशा फॉलो करती आई हूँ सो दैट मैं अपडेटेड रहूँ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन माई प्रीवियस अटेम्प्ट ऑल्सो मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई वुड नॉट से कि आपको 4 या 5 आंसर्स ही लिखने हैं डेली, एटलीस्ट एक आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है सो दैट यू जस्ट आर इन द फ्लो ऑफ राइटिंग द आंसर्स एंड थिंकिंग ऑन द स्पॉट. सो करेक्ट मुझे लगता है आंसर राइटिंग प्लस योर इंटीग्रेटेड स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. एज यू मेंशन की आंसर राइटिंग इज इंपॉर्टेंट, एंड यस देर इज नो सेकंड ओपिनियन टू दिस। आंसर राइटिंग में जब हम पहले से आंसर राइटिंग करते हैं, बिकॉज आंसर राइटिंग एक लंबे प्रोसेस है जिसमें हम आज आंसर लिखेंगे, फिर उसमें से कल हमें फीडबैक मिलेगा, और फीडबैक समझना और उसके ऊपर वर्क करने के लिए काफी टाइम लगता है, और वो जब हम वर्क करते हैं तो वो हमारे आंसर्स में रिफ्लेक्ट होने के लिए उसका एक अलग टाइम लगता है। तो डेफिनेटली आंसर राइटिंग पहले से करना ज्यादा सही है, ना कि हम ज्यादा लेट जब करें। तो अर्ली स्टार्ट जो है आंसर राइटिंग के लिए, वो कितना बेनिफिशियल होता है हमें? आई फील आंसर राइटिंग का कोई टाइम नहीं होना चाहिए. द मोमेंट यू हैव डिसाइडेड कि मुझे आंसर राइटिंग करनी है तो हमें ये नहीं सोचना है मैं पहले टॉपिक रीड कर लूँ उसके बाद में लिखूंगा या लिखूंगी. जस्ट राइट इट डाउन. इनिशियली 20-25 मिनट्स लग सकते हैं बट इवेंचुअली 1 वीक के बाद वी विल सी कि वी आर इन द फ्लो. हमें 10 मिनट्स या 15 मिनट्स लग रहे हैं. सो मुझे लगता है स्टार्ट करना ज्यादा जरूरी है. हेजिटेट नहीं करना है कि हम इतने टॉपिक्स पढ़ लें या अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें उसके बाद लिखना है. लिखना शुरू करें एंड देन धीरे धीरे टाइम के साथ में प्रैक्टिस के साथ साथ में आपकी जो कैपेबिलिटी है आंसर राइटिंग की वो इम्प्रूव हो जाएगी. इसमें जैसे इफ आई ऐड, रिवर्स इंजीनियरिंग वाला अप्रोच मेंस के आंसर राइटिंग में हेल्पफुल हो सकता है, आप मुझे इसको इलेबोरेट करके बताएंगे? एक बार मैं रिवर्स इंजीनियरिंग का कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ। जैसे कभी कभी होता है, नॉर्मली हम अकेडमिक्स में अपने कॉलेज के टाइम में पहले हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, पूरा सिलेबस रिविजन वगैरह सब कर लेते हैं, और उसके एकदम आखिरी स्टेज में हम आंसर राइटिंग करते हैं। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा पढ़ने के बाद आपको आंसर राइटिंग करने से फायदा ये होता है कि कभी कभी क्वेश्चन कैसे आते हैं उस हिसाब से फिर हमें पढ़ना क्या है ये भी समझ में आता है। तो इनफैक्ट हमारी प्रिपरेशन जो है वो ज्यादा डायरेक्टेड हो जाती है। व्हाट वुड यू से अबाउट दिस? एक्चुअली मैंने टेलीग्राम में कुछ स्टूडेंट्स का हम लोगों का ग्रुप था एंड वी यूज टू राइट आंसर्स एंड देन शेयर करते थे. सो व्हाट आई फेल्ट कि आपको क्वेश्चन मिला, आपने लिखा उस पे विदाउट सर्चिंग फॉर द टॉपिक, तो आपका माइंड तैयार होने लगता है कि मुझे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या लिखना है. टॉपिक पढ़ने के बाद में कई बार ऐसा हो जाता है कि हम सिर्फ उस टॉपिक के डोमेन तक रेस्ट्रिक्टेड रह जाते हैं कि बस इतनी ही चीजें मुझे आंसर में लिखनी है. सो एज यू सेड कि रिवर्स इंजीनियरिंग मुझे लगता है ये हेल्पफुल रहती है. आपका डोमेन भी वाइड हो जाता है इसकी हेल्प से. बाकी हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग होती है बट मेरे लिए ये बेनिफिशियल रही. और फिर आपने एसे के लिए ओवरऑल कैसे प्रिपरेशन की? क्योंकि अभी एसे में फिलोसॉफिकल एसेज भी काफी ज्यादा आ रहे हैं, और उसके साथ साथ एसे के लिए क्या हमें अलग से नोट्स बनाने की जरूरत पड़ती है, या आपने कभी अलग से नोट्स बनाए? जैसे कोट्स होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, इनके लिए क्या आपने पहले से ही सेपरेट कुछ नोट बना के रखा था? एसे के लिए मैंने प्री के बाद जो है नोट्स बनाए थे थोड़े, जैसे कॉमन जो टॉपिक्स होते हैं एजुकेशन सेक्टर हेल्थ सेक्टर तो इनका डेटा और इनसे रिलेटेड कुछ कोट्स वगैरह ये मैंने अलग से जो है कोट डाउन किया था पूरा. एंड ऑल्सो फॉर द फिलोसफिकल एसेज कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स. एंड मैंने कोशिश की है कि फिलोसफिकल चीज़ों को भी मैं करंट के साथ में रिलेट करके अगर अपने एसे में दिखाऊं तो इट काइंड ऑफ गिव द यू नो प्रेजेंट व्यू आपको दिख जाता है उस फिलोसफिकल लाइन या टर्म का. तो कोशिश यही करनी है कि अपना ऐसे जो है डायनेमिक रहे, उसके लिए स्टैटिस्टिक्स पास में होना बहुत जरूरी है. करेक्ट। सो प्री के बाद भी आप कर सकते हो इफ यू आर केपेबल एनफ तो आप प्री से पहले भी शुरू कर सकते हैं. इसमें मैं और एक बात आपसे पूछना चाहूंगा एसे से रिलेटेड। जैसे यूपीएससी में प्रीलिम्स हो या मेंस हो, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल उसमें होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में हमने पहले क्या पूछा है, GS1 में प्रीलिम्स में क्या पूछा है, इनको एनालाइज करके हम कहीं ना कहीं
अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। क्या ऐसे के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के हम कुछ कॉमन ग्राउंड्स फाइंड कर सकते हैं जिससे हमें आगे कैसे प्रिपेयर करना है ऐसे के लिए हमारे एग्जाम में उससे हेल्प हो? कर सकते हैं, बट ऑनेस्टली मैंने नहीं किया था बिकॉज मैंने मेरा हमेशा से ये रहा है कि मेरे को डायनेमिक लिखना है. अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी है तो आप कोई भी ऐसे लिख सकते हो. तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आप डेली जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं उनसे अपडेटेड रहने चाहिए. सो मैंने तो नहीं किया था, बट इफ सम पीपल वॉन्ट टू डू देन दे कैन. जैसे आपका ऑप्शनल पीएसआर है और पीएसआर में बिकॉज की सोर्सेस काफी ज्यादा हद तक सिमिलर है मार्केट में, सभी लोग सेम रिसोर्सेस को पढ़ते हैं, इस वजह से सेम डेफिनेशन, सेम इंट्रोडक्शन, सेम स्कॉलर्स और उनके सेम व्यूज कोट करते हैं, और कहीं ना कहीं इनफॉर्मली अगर बोला जाए तो ये नजर में आया है कि सिमिलर लिखने पे बहुत लोगों को ज्यादा मार्क्स मिल नहीं रहे हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि अभी आंसर्स, पॉलिटिकल साइंस के आंसर्स को थोड़ा डिस्टिंक्ट लिखने के लिए हमें क्या अलग करना चाहिए? सी पॉलिटिकल साइंस वी हैव टू पेपर्स. पेपर वन में थ्योरी है एंड इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में है, एंड पेपर टू में कंटेम्प्ररी पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया एंड फॉरेन पॉलिसी है. मुझे ऐसा लगता है पहली चीज तो है कि हमें क्वेश्चन की डिमांड समझना जरूरी है. इट्स नॉट लाइक कि अगर टॉपिक दे दिया है क्वेश्चन में एक तो आप उसके बारे में सब कुछ लिख दो. लेट्स से नॉन अलाइन मूवमेंट दिया है तो सब कुछ नहीं लिखना है. वी हैव टू सी द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. सेकेंडली, अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में कोई आंसर लिख रहे हो अपने ऑप्शनल में, कोशिश कीजिए कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी अगर आप इन्वॉल्व कर पाओ जो आपने पेपर वन में सेक्शन ए में पढ़ा है. सिमिलरली, जितने एग्जाम्पल्स आप दे के अपनी चीज को बता सकते हो, दैट वर्क्स व्हाट मेक्स योर आंसर डायनेमिक. जैसे कि एक एग्जाम्पल ये है कि अगर आप जब भी इंडिया चाइना रिलेटेड आ रहे हो तो आप देखो क्या कोई रियलिस्ट जो करेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशन का वो लगा सकते हो. यूएस और चाइना देखो तो थ्यूसाइड ट्रैप के बारे में बता सकते हैं उसमें या नहीं. आंसर्स को डायनामिक बनाना है, अदरवाइज डेफिनेशंस एंड एवरीथिंग आर वेरी सेम. सो दैट्स हाउ वी कैन मेक द आंसर्स डिस्टिंक्ट. जैसे कि अभी अपना पॉलिटिकल साइंस में पेपर वन और पेपर टू आपने जैसे बताया, तो पेपर वन में हमें तो टोटल 8 क्वेश्चंस जो है सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों मिलके उसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है दोनों सेक्शन का, बाकी के जो 3 क्वेश्चन है हम कहीं से भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी एक प्रॉपर काफी लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं पहले से, ताकि वो फिर लिमिटेड सिलेबस को पढ़े। अगर मुझे लगता है कि मुझे पेपर वन का सेक्शन ए मेरा अगर अच्छा है और मैं उसमें ज्यादा क्वेश्चन लिखना चाहता हूँ, तो मैं अपनी प्रिपरेशन को भी उस अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजाइज करता हूँ। आपने ऐसा कुछ प्रेफरेंस पहले से सेट करके रखा था? कुछ आपने ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी बना के रखी थी? हाँ, मैंने सोचा था ऐसा. इनफैक्ट मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट में भी मैंने मेरा सेक्शन बी जो रहा है वो थोड़ा सा लो रहा था, तो मैंने कोशिश की थी कि मैं सेक्शन ए में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड रखूँ. इस बार मैंने थोड़ा ज्यादा सिलेबस कवर किया था, बट फिर भी मेरी कोशिश ये थी कि जो जो सेक्शंस मेरे स्ट्रॉन्ग हैं मैं उनको ज्यादा कवर करूँ. एंड अगर सेक्शन बी में एक दो टॉपिक्स रह भी जाता है तो मेरे को एक ब्रीफ आइडिया रहे, सो दैट इफ इन केस इन एमरजेंसी आई हैव टू राइट ऑन दैट टॉपिक तो मैं लिख पाऊं. बट अपने स्ट्रॉन्ग जो एरियाज हैं उन्हें पहले पिन पॉइंट करके अगर हम रखेंगे तो ज्यादा हमें इजी रहेगा. एज यू मेंशन दैट यू यूज टू लिसन टू एडिटोरियल डिस्कशन ऑन ओनली एस यूट्यूब चैनल, तो एडिटोरियल डिस्कशन में आईआर के भी बहुत सारे न्यूज डिस्कस होते हैं, अपने पॉलिटिकल साइंस के जो आईजीपी सेक्शन से रिलेटेड है, कास्ट पॉलिटिक्स, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स एक्सेट्रा, वुमन वुमन्स मूवमेंट पार्टिसिपेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन कहीं ना कहीं होता है। तो क्या एडिटोरियल डिस्कशन से पॉलिटिकल साइंस में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, कुछ बेनिफिट होता है हमें? अ लॉट आई वुड से बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. एंड सुमित सर के जो एडिटोरियल रहे हैं मैं वो 2017 से फॉलो करती आई हूँ. मुझे लगता है एक एड ऑन रहता है, और अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो उनको अगर आप अपडेट करते हो तो चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं. आपको अंडरस्टैंडिंग जो है बेसिक जो भी चल रहा है इस समय उसकी बहुत अच्छे से रहती है, और उसको आप कहीं भी कोट कर सकते हो. तो मेरे लिए तो हेल्पफुल रहे हैं, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ एस्पायरेंट्स उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं एडिटोरियल एनालिसिस. और पीएसआर के जो आंसर्स है, जैसे पेपर वन सेक्शन ए सेक्शन बी, पेपर टू सेक्शन ए सेक्शन बी, इनमें अगर हम सेक्शन वाइज देखें, जबकि सारे सेक्शन अलग है तो उनके आंसर्स, उनके कंपोनेंट्स भी अलग है, तो
तो सेक्शन वाइज क्या आप बता सकते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स एक आंसर में होने चाहिए, पॉलिटिकल थ्योरी के आंसर्स में क्या होने चाहिए? क्योंकि काफी हद तक लोगों ने एक रूल बना के रखे कि पॉलिटिकल थ्योरी है तो काफी सारे स्कॉलर्स के नेम होने चाहिए, आईजीपी में भी ऐसा कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन वगैरह होता है, तो क्या क्या मेन कंपोनेंट आपको लगते हैं जो होने चाहिए आंसर्स में? एज आई मेंशन्ड कि फर्स्टली जो प्रायोरिटी है वो है क्वेश्चन की डिमांड को समझना. एंड अगर हम थ्योरी का आंसर लिख रहे हैं तो हमें लेट्स से कोई स्टेटमेंट अगर हमें दिया हुआ है तो पहले हमें बताना होगा कि किस कंटेक्स्ट में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, किसने ये स्टेटमेंट कहा है. इन दोनों को बताए बिना अगर आप सीधे मीनिंग बताने लगोगे तो वो आंसर इनकम्प्लीट हो जाएगा. तो इन दोनों को बता के कई बार क्वेश्चन जैसे इलेबोरेट करने के लिए होते हैं तो उन्हें हम बताएं. नेक्स्ट, जैसे इंडियन पॉलिटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, सपोज इक्वालिटी पे कोई क्वेश्चन है तो आप अगर आपको ये स्कोप मिलता है कि एरिस्टोटल का कोई कंसेप्ट बता सकूं या किसी और का कोई कंसेप्ट उसमें मेंशन कर सकूं, जस्ट इन अ ब्रीफ, तो आप उसे मेंशन करो सो दैट एक लिंकेज दिखे कि यू आर अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट एंड आप किस तरीके से लिंकेज एस्टेब्लिश कर पा रहे हो. एंड सिमिलरली आप पेपर टू में भी ये चीजें कर सकते हो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की कोई एक थ्योरी है जो आप इंडिया या दूसरे कंट्री के रिलेशंस के साथ में शो कर सकते हो. सो व्हाट आई मीन कि क्वेश्चन की डिमांड समझिए एंड लिंकेजेस एस्टेब्लिश करना. जैसे कि आईआर अपना काफी डायनामिक सब्जेक्ट है और इसमें रेगुलर बेसिस पे हर दिन कुछ ना कुछ इशू आते रहते हैं, और इनफैक्ट सेम इशू पे मल्टीपल स्कॉलर्स के, एक्सपर्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस भी आते रहते हैं, तो एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को ये इतने सारे व्यूज, इतने सारे डायनामिक अलग अलग इशूज और उनके अलग अलग एक्सपर्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस को आर्टिकुलेट करना मे भी एक थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है। हाउ यू मैनेज टू डू दिस एंड व्हाट यू रिकमेंड टू डू? फॉर आईआर आई थिंक देर आर सर्टन स्कॉलर्स लाइक सी राजा मोहन है एंड सुहासिनी हैदर जी हैं, तो इनके आप व्यूज की एक सपोज यू हैव टू गो टू मीन्स एंड आप अगर उससे पहले ही प्री के बात कर रहे हो तो आप गूगल कीजिए सी राजा मोहन के व्यूज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया चाइना, विद रिस्पेक्ट टू इंडिया टर्की और इंडिया यूएसए. आपको पूरा गूगल में एक मिल जाएगा एंड यू कैन क्रिएट अ कंपाइलेशन ऑफ दैट. और ज्यादा स्कॉलर्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट पिक वन टू स्कॉलर्स एंड उनके व्यूज को लिखिए, अपने आंसर्स में याद कीजिए, रिवाइज कीजिए, बिकॉज दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट. जैसे कि आपने अभी कहा कि ज्यादा स्कॉलर्स लिखने की जरूरत नहीं है, पीएसआर में ओवरऑल सब्जेक्ट को अगर हम देखें तो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, पॉलिटिकल थ्योरी से लेके आईआर तक, और बहुत सारे लोग स्कॉलर्स पे इतना एम्फेसाइज करते हैं कि वो स्कॉलर्स की लिस्ट बनाते हैं, पूरा रट्टा मारेंगे। क्या आपको लगता है सारे स्कॉलर्स याद रहना जरूरी है, या मतलब इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका? मुझे ऐसा लगता है कि हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है, हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी है. बेसिक पर्सनली मैंने जो है ज्यादा से ज्यादा कोशिश की है कि एक आंसर में मैं एटलीस्ट दो स्कॉलर्स को रख पाऊँ सो दैट मैं ये बता पाऊँ कि एक्चुअली में स्कॉलर्स के अकॉर्डिंगली क्या व्यू है. तो पहले अपना आपने थोड़ा सा बताया है, इसके बाद में अगर आपने दो स्कॉलर्स भी मेंशन किए हैं देन दैट इज अ गुड आंसर. बट इफ यू कैन देन मेंशन थ्री स्कॉलर्स. ज्यादा स्कॉलर्स भी मेरे लिए तो उतना काम नहीं किया है. सो आई वुड सजेस्ट कि हर कोई अपने अकॉर्डिंगली देख सकता है. इफ दे कैन मेंशन इट, इफ दे कैन लर्न इट, देन इट्स गुड. अगर मैं ये कहूँ कि पॉलिटिकल साइंस में हमें और भी स्कोर करना है जितना हमें अभी मिला है, और आपको अगर मौका मिला कि मुझे और भी स्कोर करना है, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट अगेन यू विल डू, व्हाट एक्स्ट्रा थिंग्स यू विल डू टू फेच एक्स्ट्रा मार्क्स इन पीएसआईआर? द थिंग इज अगर आपको करना है तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को अपडेटेड रखिए करंट के साथ में. द मोर डायनेमिक योर आंसर्स आर द मोर मार्क्स इट विल फेच यू. सो आई थिंक दैट्स व्हाट इट विल मेक योर आंसर्स मोर इंटरेस्टिंग. आपके पूरे यूपीएससी के जर्नी में ऐसी कोई तीन चीजें जो आपने सीखी प्रिपरेशन में, जैसे कि आपने कहा कि इट्स बीन 4 और 5 ईयर्स इनटू द प्रिपरेशन, तो इस लॉन्ग जर्नी में आपने काफी सारी प्रिपरेशन से चीजें सीखी होंगी जो आपने लाइफ में भी इंप्लीमेंट करी होंगी, और आप चाहोगे कि वो लाइफ टाइम चेरिश आप उन्हें करें, तो ऐसी कोई तीन चीजें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? ये तीन चीजें मैंने भी सीखी हैं और मेरा मैसेज भी रहेगा दैट बीइंग अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड स्पेशली अ वुमेन कैंडिडेट, देर कैन बी प्रेशर्स ऑन यू. सोसाइटी के प्रेशर्स हो सकते हैं बट नेवर लेट योर सेल्फ डाउन बिकॉज ऑफ दीज प्रेशर्स. आप अपने ड्रीम्स में बिलीव करो और ना सिर्फ बिलीव करो, उन पे वर्क करो एंड लेट द पीपल से व्हाट एवर दे वॉन्ट टू.
एंड सेकेंडली आई थिंक देर इज नो शॉर्टकट. आपको वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, कंसिस्टेंट रहना है, ओनली देन यू विल गेट द रिजल्ट्स. एंड हर किसी की स्ट्रैटेजी अपनी होती है. डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स. एवरीवन हैज देयर ओन फैमिली, इकोनॉमिक, सोशल बैकग्राउंड. डोंट कंपेयर योरसेल्फ. बी योरसेल्फ, बी सिंपल एंड जस्ट बिलीव ऑन योरसेल्फ. दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट. So thank you very much, Vilasha, for your time. And once again, I would like to congratulate you for your success. And from the entire OnlyAs community, I wish you all the best for your career. Thank you. Thank you. Thank you so much.